हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार सर्विस वीडियो। सो आज हमारे पास आई है मारुति सुजुकी ए स्टार कार जिसका हम लोग कंप्लीट जनरल सर्विस करने वाले। इस वीडियो में हम लोग आपको पूरा सर्विस प्रोसेस डिटेल में डॉक्यूमेंट करके बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड में हम लोग आपको इसका प्राइस शेयर करने वाले। सो गाइस अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। नाउ गाइस अबाउट MotoFyx। MotoFyx इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ न्यू एज कार रिपेयर वर्कशॉप ऑफरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंट प्रेडिक्टेबल एंड हैसल-फ्री रिलेशनशिप विद हिज कस्टमर विद ओवर 100 प्लस वर्कशॉप्स अक्रॉस 5 मेजर सिटीज वे 1.5 लाख हैप्पी कस्टमर्स। नाउ गाइस यू हैपन टू विजिट आवर वर्कशॉप यू मे सी वी यूज लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड वी हैव अ टीम ऑफ हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस टेकिंग केयर ऑफ योर कार ऑल टाइम। नाउ गाइस वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस एंड वी गिव रियल टाइम अपडेट ऑफ एवरी वर्क गेटिंग डन इन योर कार। सो एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सर्विस स्टार्ट करने से पहले हम लोग पार्ट्स एंड कंज्यूमेबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस कार में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सो द रिकमेंडेड ग्रेड फॉर दिस कार इज 5W30। सो आपका सर्विस पैकेज डिपेंड करता है कि आप कौन से पार्ट्स ऑफ करते हो एंड कौन सा इंजन ऑयल आप यूज़ करते हो। सो गाइस फॉर दिस कार आपको इंजन ऑयल के चार ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये है 5W30 मिनरल ऑयल जो कि बेसिक ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 325 रुपीज़ पर लीटर। एंड देन नेक्स्ट आता है ये 5W30 सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये थोड़ा बेसिक ऑयल से एडवांस रहता है। ये सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है। सो इसका प्राइस शुरू होता है 430 रुपीज़ पर लीटर से। एंड नेक्स्ट ये 5W30 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। ये एडवांस इंजन ऑयल है एंड ये फुली सिंथेटिक है। इसका प्राइस शुरू होता है 530 रुपीज़ पर लीटर से। एंड लास्टली ये है 5W40 फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल। ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन ऑयल है एंड ये आपके कार के इंजन को प्रोटेक्ट करेगा एट द हायर टेम्परेचर्स। ये सबसे एडवांस इंजन ऑयल है। इसका प्राइस शुरू होता है 750 रुपीज़ पर लीटर से। नाउ गाइस हर टाइम हम ऑयल चेंज करते हैं उसे तो हमें ऑयल फिल्टर भी रिप्लेस करना होता है। ऑयल फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 94 रुपीज़ से। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों भी इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वो सर्विसेबल हुआ तो उसे सर्विस कर देंगे और ऑयल उसे रिप्लेस कर देंगे। सो एयर फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 225 रुपीज़ से एंड एसी फिल्टर का प्राइस स्टार्ट होता है 315 रुपीज़ से। तो हर कार सर्विस करने से पहले हम इसका ऑयल का कंडीशन चेक करते हैं और ऑयल लेवल भी चेक करते हैं। इसका ऑयल लेवल ओके है और इसके ऑयल में स्लजिंग भी नहीं है क्योंकि ये गाड़ी रेगुलर सर्विस होती है तो इसमें इंजन फ्लश करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो गाइस इस कार में ज़्यादा स्लजिंग नहीं था एंड ये कार रेगुलरली सर्विस होती थी तो इसलिए इसमें इंजन फ्लश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। हाउएवर अगर आपकी कार टाइमली सर्विस ना हो एंड उसमें स्लजिंग जमा हो तो आपको इंजन फ्लश यूज़ करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम इस कार को हाइड्रोलिक रैम में ऊपर लिफ्ट करेंगे। इसके चारों व्हील बेयरिंग स्टीयरिंग रैक प्ले और बॉल जॉइंट्स इंस्पेक्ट करेंगे। तभी हम इसका बेयरिंग चेक करेंगे। उसके बेयरिंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हम इसका बॉल जॉइंट चेक करेंगे, रैक प्ले चेक करेंगे। ऐसे हम फ्रंट के व्हील बेयरिंग, बॉल जॉइंट, रैक प्ले चेक करेंगे और रियर का व्हील बेयरिंग चेक करेंगे। तो अभी रियर का व्हील बेयरिंग चेक करें तो रियर के लेफ्ट साइड के व्हील बेयरिंग में नॉइज़ है तो हम ये कस्टमर को शेयर करेंगे कोटेशन इसका। कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार के चारों टायर्स डिमाउंट करेंगे एंड इसके चारों ब्रेक्स इंस्पेक्ट करके उसे सर्विस करेंगे। तभी हम इसके फ्रंट के ब्रेक इंस्पेक्शन करेंगे जिसमें ब्रेक में पहले ब्रेक पैड की कंडीशन चेक करेंगे, इसकी हेल्थ कैसी है, और उसके बाद सेकंड हम इसका डिस्क भी चेक करेंगे कि डिस्क पे कहीं मेजर लाइनिंग वगैरह तो नहीं है। तो इसके डिस्क भी ओके है और ब्रेक पैड भी अच्छे हैं। तभी मैं इसकी सर्विस करके इसको वापस से इंस्टॉल कर दूँगा। तो आप जब भी ब्रेक सर्विस कराते हो कार की तो आपको हमेशा ये कैलिपर पिन को लुब्रिकेशन करना होता है, इसमें नया ग्रीस भरना होता है जिससे आपका ब्रेक जो है वो स्मूथली होगा, कहीं जाम नहीं होगा, जिससे ब्रेक पैड की थिकनेस जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो हम रियर का ब्रेक इंस्पेक्शन कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले इसके लाइनर की कंडीशन चेक करेंगे। सेकेंड उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि व्हील सिलेंडर कहीं से लीकेज तो नहीं है और ये फ्री मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। और मैंने लाइनर को भी चेक किया है, लाइनर में भी कहीं क्रैक नहीं है और थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं इसकी सर्विस करके वापस से इंस्टॉल कर दूंगा। ऐसे ही हम चारों ब्रेक सर्विस करते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम इस कार को और ऊपर लिफ्ट करेंगे एंड इसका कंप्लीट अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करेंगे। तभी हम अंडरबॉडी इंस्पेक्शन करेंगे गाड़ी में। सबसे पहले हम इसके सस्पेंशन चेक करेंगे, बुशेस, उसके बुशेज भी ओके है, लिंकेज चेक करेंगे, लिंकेज भी ओके है, शॉकअप भी
शॉक ऑफ भी कहीं से लीकेज नहीं है और हार्ट नहीं हुआ है क्योंकि इसका ट्रायल लिए थे, सब ओके था। लेकिन इसमें एक एक्सल का बूट फटा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, इधर एक एक्सल का बूट फटा है दोनों साइड से, सेम कंडीशन वो साइड भी है। तो ये हम कस्टमर को इसका कोटेशन शेयर करेंगे, कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम इसका काम स्टार्ट करेंगे। बाकी सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही हम साइलेंसर भी चेक करेंगे इसका, कहीं से इम्पैक्ट तो नहीं है, कहीं से इम्पैक्ट नहीं है। और इसके जो हैंगर बूट है वो भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, कट भी नहीं हुए। ऐसे ही हम रियर का शॉकअप भी चेक करेंगे, रियर के शॉकअप में देखेंगे कि लीकेज वगैरह है क्या, शॉकअप भी लीकेज नहीं है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो मैंने इसमें पूरा अंडर बॉडी इन्फेक्शन किया है जिसमें मुझे एक रिवील बेयरिंग और फ्रंट के दोनों एक्सल के बूट फटे हुए मिले, बाकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये कस्टमर को शेयर करेंगे, कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम काम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का पुराना इंजन ऑयल ड्रेन करेंगे। पुराना इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो चुका है, अभी हम इसका ड्रेन बोर्ड प्रॉपरली टाइट करेंगे, इसका ऑयल फिल्टर रिप्लेस करेंगे, कार को नीचे लेके इसमें न्यू इंजन ऑयल फिल करेंगे। अभी हम लोग इस कार का ऑयल फिल्टर रिप्लेस करने वाले हैं। तो आप कंडीशन देख सकते हो पुराने ऑयल फिल्टर का कंपेयर टू द न्यू वन। तो ये सुजुकी का जेन्यून ऑयल फिल्टर है, इसे हम लोग रिप्लेस करेंगे। ऑयल फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले हम लोग उसके ओरिज को प्रॉपरली लुब्रिकेट करेंगे एंड देन उसे इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में इंजन ऑयल फिल करने वाले हैं एंड इसका भी रियल टाइम अपडेट हम ओनर से शेयर करते हैं। नेक्स्ट हम इस कार में ब्रेक ऑयल टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार में कूलेंट टॉप अप करेंगे। नेक्स्ट हम इस कार का एयर फिल्टर इंस्पेक्ट करने वाले हैं। इसका एयर फिल्टर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है तो इसको हम क्लीन करेंगे और वापस इंस्टॉल कर देंगे, इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर टेक्नीशियन इसका एयर फिल्टर काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, इसे हम लोग एयर सर्विस करके फिर से इंस्टॉल कर देंगे। तो मैं अभी इसका एसी फिल्टर इन्फेक्शन कर रहा था जिसमें मुझे पता चला कि एसी फिल्टर है ही नहीं, मिसिंग है। तो हम कस्टमर को रिपोर्ट करेंगे कि इसका एसी फिल्टर मिसिंग है, कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम न्यू एसी फिल्टर इंस्टॉल कर देंगे। सो कस्टमर से हमें अप्रूवल आ चुका था तो हम लोग ये न्यू एसी फिल्टर इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इस कार के बैटरी का हेल्थ चेक करने वाले हैं मल्टीमीटर से। हम कार को मल्टीपल टाइम स्टार्ट करके बंद करेंगे, हम बैटरी का हेल्थ चेक करेंगे। बंद करो, फिर से स्टार्ट करो, बंद करो, हेडलाइट एसी ऑन करो। नेक्स्ट हम कार के सारे इलेक्ट्रिकल्स ऑन करेंगे एंड देन कार को स्टार्ट करेंगे, इसे हमें पता चलेगा कि कार की बैटरी कितना लोड ले रही है। फिर से स्टार्ट करो, बैटरी काफ़ी अच्छी गुड कंडीशन में है। इस कार के बैटरी का हेल्थ काफ़ी अच्छा है। तभी हम टायर इंजेक्शन कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले हम टायर की कंडीशन चेक करेंगे। तो इसका साइड वॉल पे काफ़ी पंचर्स है जो लॉन्ग ड्राइव के लिए बेटर नहीं है, इसके लिए बेटर है कि आप चेंज कर दो। सेकेंड हम इसका डैप भी चेक करेंगे। तो डैप इसका काफ़ी अच्छा है, 6 mm का डैप आ रहा है और ये 2012 का टायर है। रिकमेंडेड करेंगे कि ये नया टायर डाल दे तो हम कस्टमर को रिपोर्ट भी शेयर करेंगे, इसका कोटेशन भी शेयर करेंगे, कस्टमर अगर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम चेंज कर देंगे। ऐसे ही हम चारों टायर इंजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम इस कार का कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन करेंगे। हेडलाइट्स, हाई बीम लो बीम, हैजर्ड, हॉर्न, वाइपर्स, ब्रेक लाइट्स, रियर हैजर्ड, रिवर्स लाइट, ओके, कैबिन लाइट्स, ओके, एफएम, ओके, एसी, ओके। नेक्स्ट हम इस कार के चारों पावर विंडोज इंस्पेक्ट करेंगे।
ओके तो हर सर्विस में हम स्पार्क प्लग भी चेक करते हैं। तो ये स्पार्क प्लग से शैंक का सेरेमिक का पाउडर निकल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है तो इसको रिप्लेस करना है। और सेकंड, इसके दो इग्निशन कॉइल भी चेंज हो चुके हैं बट ये अभी ओके है। तो ये इसका एस्टिमेट हम कस्टमर को शेयर करेंगे, कस्टमर हमें अप्रूवल देते हैं तो हम रिप्लेस करेंगे। एवरी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस हम कार का व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करते हैं। हाउएवर इस कार का अलाइनमेंट बैलेंसिंग रिसेंटली हो चुका था एंड कार प्रॉपर चल रही थी, इस कार में अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराना ज़रूरी नहीं था। सो इन एवरी जनरल सर्विस हम कार का डिटेल सर्विस रिपोर्ट तैयार करके ओनर से शेयर करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग जनरल सर्विस के लास्ट स्टेज में, अभी हम कार को बाहर से प्रॉपर फोम वॉश करेंगे, इंटीरियर वैक्यूम क्लीनिंग करेंगे, डैशबोर्ड पॉलिश करेंगे एंड इंजन पे भी पॉलिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सर्विस में इंक्लूड होती है। सो गाइस, अगर आपने ये वीडियो अब तक देख लिया एंड आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे। सो गाइस, इस कार का कंप्लीट जनरल सर्विस हो चुका है एंड द बेसिक सर्विस फॉर मारुति सुजुकी ए स्टार स्टार्ट फ्रॉम ₹2,699 ओनली। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।